अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हम मर जाएंगे मगर इस बुढ़ाओं से शादी हम कभी नहीं करेंगे, पापा बता रहे हैं आपको। अरे बिटिया, उम्र का तो बस आंकड़ा है, हैं? गजानन बहुत भला आदमी है, ना दहेज की मांग, ना गाड़ी की डिमांड है। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया लड़का दूसरा नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों नहीं मिलेगा? क्या कमी है हमें? कमी आप लोगों में। बेटी पैदा कर दी लेकिन बेटी की शादी कराने के लिए पैसे नहीं आप लोगों के पास। और ये बुढ़ाऊ, इसे दहेज क्यों चाहिए होगा? अरे अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करनी है? भले मानो। चुप करना लायक, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारा बुरा हम कभी नहीं चाहेंगे। अच्छा तो बताइए हमें, कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी 21 साल की बेटी की शादी उससे दुगने उम्र के आदमी से करवा देते? आप जैसे माँ बाप होने से तो अच्छा था हम अनाथ होते। अरे बेटी, रानी को देख के आते हैं। अरे रुक जाइए रानी के बाबा, काहे बुर्बक के पीछे जा रहे हैं, आ जाएगी वो। और वैसे भी उस बदनसीब को जाने का जगह कहाँ है? अरे बदनसीब तो हम हैं, जो उसका ठीक से ब्याह भी नहीं करा पा रहे हैं। आपसे जो बन रहा है आप वो कर रहे हैं ना? बिरादरी में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा ये बेटी के वजह से। सो तो है, लेकिन वो तो हमें अपना दुश्मन समझती है, जैसे हम कोई उसके सौतेले। अरे अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ के लड़का खोज रहे ना उसके लिए। हमें लगता है गजानन हमारी बिटिया को रानी बना के रखेगा। रानी नाम हो जाने से रानी जैसा नसीब नहीं हो जाता? पता नहीं उस बदनसीब के नसीब में क्या लिखा है। राजकुमार लिखा है हमारी किस्मत में। राजकुमार? तो तुम इस गंदे कुएं में राजकुमार खोज रही हो? हमें मालूम है तुम यहाँ मरने आई थी। अरे वो तो 2 मिनट के लिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तुम खुद सोचो, अगर हमें मरना होता तो हम अब तक कूद गए होते ना कुएं में। मगर हम नहीं कूदे, हम तो क्या, हम तो, हमें मालूम है तुम यहाँ मरने ही आई थी। अरे मरे हमारे दुश्मन, अब हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। हम नाग कन्या हैं। नाग कन्या? हाँ, तुमने देखा नहीं कैसे वो नाग हमारे पैरों के पास से निकल गया बिना हमें काटे? इसका मतलब समझती हो? नहीं, तुम ही बता दो। अरे भगवान का संकेत है कि हम कोई मामूली सी बदकिस्मत लड़की नहीं है, हम खास हैं, हम नाग कन्या हैं। हमारे ऊपर नाग देवता का आशीर्वाद है। अब देख लो कैसे हमारे माँ बाप हमें बदकिस्मत बोलना बंद करेंगे और ये औंधे पौंधे रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे हमारे लिए। अच्छा, और ये सब कौन बंद करेगा? अब से वही हमारी रक्षा करेंगे। हम नागिन हैं और वो हमारे नाग देवता। अब देखना क्या
कैसे हमारी किस्मत बदलती है और हमारे माँ बाप का मुंह बंद होता है। ए, पगला गई हो का रानी, कुछ भी बके जा रही हो। कोई नाग देवता नहीं होता और तुम कोई नागवा कन्या नहीं हो। है हम कह रहे हैं ना, अब हमें और हमारे नाग देवता को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। वो आएंगे हमें लेने पूर्णमासी की रात को, लेके जाएंगे हमें अपने साथ। काहे का आवाज है? रानी, रानी, ये रानी, ये का कर रही है रे? संदेश आया, हमारे नाग देवता का संदेश आया है। पूर्णमासी की रात को लेके जाएंगे रानी के बापू। इक्का लग रही है रे? अरे तुम्हारी माता ने नाग नाग कन्या है, नाग कन्याओं को कोई छूता नहीं है। रानी के बापू, ओ रानी के बापू, ये देखो हमारी बिटिया को कहाँ हो गया। रानी के बापू, नाग कन्या बन गई है तुम्हारी बिटिया माँ। अब ये नागिन का खेल शुरू और ब्याह का खेल खत्म। रानी के बापू चलो देखो रानी क्या हो गया है। अरे अरे देखो ना अपनी रानी को कहाँ हो गया है। रानी बिटिया, अरे ये तुम्हें क्या हो रहा है? लगता मिर्गी आ गई है। कोई मिर्गी विर्गी नहीं है, ये तो हमारे नाग देवता के लिए हमारी तड़प है। अरे बेटे ये तुम क्या बोले जा रही हो? नाग देवता आएंगे पूर्णमासी की रात को, आएंगे और हमको लेके चले जाएंगे। बिटिया तुम तनिक सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। दिमाग तो आप सबका खराब था जो अब तक एक नाग कन्या को बदनसीब बदनसीब बोलता है। मगर अब देखना सब ठीक हो जाएगा, अब नाग कन्या और नाग देवता को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, ये क्या बोल रही है लड़की? कहीं इसके अंदर प्रेत आत्मा तो नहीं घुस गई है रानी के बापू? है? नाग कन्या भोग लगाई लो। नाग रानी आशीर्वाद दो हमें। क्या कर रही है तू? रानी बिटिया में नागिन का वास है, नाग देवता का आशीर्वाद है, प्रणाम करो अभी। नाग देवता हमारा दुख हर दो, हमें आशीर्वाद दो। नागरानी की जय हो। हे नागरानी, परसों हमार बिटिया हमसे रूठ कर घर छोड़कर चली गई, लेकिन नागरानी आपके आशीर्वाद से कल ही वापस लौट आई। आपका प्रसाद खाते ही माँ हमार बिटिया हमें वापस मिल गई।
नागरानी की जय हो, नागरानी की जय, नागरानी की जय हो। नागरानी, 3 दिन से मेरे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर का कोनो असर नहीं हो रहा है, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। चलिए प्रदक्षिणा कर लेते हैं। नागरानी की जय, 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 नागरानी की जय। तो बड़ी सुंदर हो। नागरानी, हमार राजू बिटवा को आशीर्वाद दीजिए ना। हमें तो लड्डू चाहिए। बापू कितना हुआ? 45,000 5 दिन में। अरे रानी की अम्मा, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। एक दिन तो भून का भी आता है, भगवान को हमारे दुख देखे नहीं गए। अभी तो हमारी रानी टीवी पे आएगी और भी लोग आना शुरू हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं जगन भैया को बोल देते हैं कि वर्मा जी से बात कर ले हैं, रानी की और उनके बेटे की शादी की। अरे अब तो हम उनके दहेज की डिमांड भी पूरी कर सकते हैं। जब भी सोचोगे छोटा ही सोचोगे। अरे का रखा है वो वर्मा के बेटा में? महीने का 25,000 रुपल्ली कमाता है। थोड़ा दिन रुको, अपनी रानी इतना कमाएगी उसके लिए हम राजकुमार लाएंगे खरीद के, और फिर ऐसे धूमधाम से ब्याह करेंगे, पूरा झुंझुनेगा झुंझुनाते रह जाएगा। वाह, ये नाग देवता का तो पता नहीं, नागरानी का जादू जरूर चल गया। वो तो ठीक है, लेकिन ये नागरानी का नाटक हम कितने दिन खेल पाएंगे? अरे ये सब बात रानी को नहीं पता चलना चाहिए कि ये सब खेला हम लोगों को पता है। आज जैसे सब खेला चल रहा है ना, चलने दीजिए। रानी को शक हो गया ना तो भाग जाएगी वो लड़की। हाँ, पर उसके नाग का क्या? एक हफ्ते बाद तो पूर्णमासी, सबको कहती फिर रही है नाग देवता आएंगे, उसको लेके जाएंगे। तुम भी ना एकदम में बुरबक खुराने के बापू, ये कोनो नाग वाग का खेला नहीं है, ये सब गजानन से ब्याह न करने का नाटक है, बुझे? लेकिन हमको ये पता नहीं था कि ये खेला से इतना फायदा होने वाला है। आप आगे आगे देखिए कितना फायदा होता है। नाग नागिन, इनके बारे में हम कहानियों में सुनते आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सांपों को डर से जोड़कर नहीं देखा जाता, इन्हें पूजा जाता है, देवताओं का अंश माना जाता है। नमस्कार, मैं प्रगति मेहरा आज लेकर आई हूँ झुंझुनी बिहार से एक नागरानी की कहानी। हमेशा से ही बदकिस्मत कही जाने वाली रानी रातों रात गांव की देवी बन गई थी। सब उसकी जय जयकार कर रहे थे,
इसलिए नहीं कि रानी वाकई में कोई चमत्कार कर रही थी, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि रानी और रानी जैसे लोग हमारे अंधविश्वास का फायदा उठाना जानते हैं। अब जिस शब्द के आगे ही अंधा जुड़ा हो उसका परिणाम और हो भी क्या सकता है। मेरी नागरानी, आओ चलो हम लुका छुपी खेलते हैं। ओम नमः शिवाय। अरे बाबा देखो मैंने क्या बनाया। वाह बिटवा, तूने तो बहुत बढ़िया बनाया रे। शाबाश। बाबा बाबा, नागरानी को खाने में क्या पसंद है? बिटवा हमने तो सुना है कि नाग को ना दूध पसंद होता है, तो नागरानी को भी दूध पसंद होगा। दूध? साधन काका दो गिलास दूध लेकर आओ, एक नागरानी के लिए एक हमारे लिए। ठीक है राजू बेटा, मैं भी दूध लेके आया। अरे वाह, हमार बिटवा दूध पिएगा। वाह, जो नागरानी करेगी मैं भी वही करूंगा। अरे इसकी आंखों में रंग लगाना तो भूल ही गया। रजनी, हाँ आज बिल्कुल भी मन नहीं है ये नौटंकी करने का। अरे रानी बेटा तैयार नहीं हुई तुम? बाहर में भक्त लोग आना शुरू हो गए हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मौसी आज रहने देते हैं ना, रानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रही हो तुम, आज इसको जाना ही होगा। दरभंगा से बड़का ऑफिसर आ रहे हैं, थोड़ा सा सर्दी जुकाम से ना ये मर नहीं जाएगी, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। रानी रानी देखा मौसी, हम कह रहे थे ना आपसे, ज्यादा बीमार हो जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, ज्यादा बीमार हो गई तो ज्यादा दिन की छुट्टी लेने पड़ जाएगी, मैं सबको वापस कर देती हूँ आज। चलो अब तुम आराम करो, छुट्टी मनाओ। नागरानी बनके अगर सड़क पे निकलती हूँ तो लोग पैरों में गिर जाते हैं। हमारा तो ना कहीं आना जाना ही हराम हो गया। सजनी, सच? अरे अरे अरे, ये कमल है हमारे पटना वाले भैया। अच्छा तो ये है नागरानी, लगती तो फिल्मों की हीरोइन जैसी है। पटना में रह के फ्लर्ट करना सीख गए हो। चलो तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं काम खत्म करके आती हूँ। हाँ तो ये नाग कन्या डसती भी है? हाँ, अगर कोई डसने लायक हो तो क्यों नहीं। तो कभी हमें भी डसने का सौभाग्य देना। दक्षिणा? ये लो तुम्हारी दक्षिणा। अच्छा वो सजनी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल लल्लन टाप है। वो क्या है ना, आज ये नागरानी वाला नाटक करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो ये ड्रामा बंद का ही नहीं कर देती? ये जो हमारा नागरानी वाला नाटक है ना, ये दो धारी तलवार निकला। जब से हमने ये नाटक शुरू किया है
इज्जत, दौलत, शोहरत सब मिल गई है, पूरे गांव में हम फेमस हो गए। लेकिन अफसोस बस इस बात का है कि अब हम नाग रानी से वापस रानी नहीं बन सकते, इसलिए कभी कभी लगता है कि अपने ही जाल में ना हम खुद फंस गए। देखो यहाँ ना तो जाल है ना ही नाग, यहाँ है तो सिर्फ कमल और रानी। कब तक हो यहाँ आप? हमारा कलेजा मांग लेते तो भी हम आपको दे देते, लेकिन रानी का ब्याह हम राजू से नहीं कर सकते ठाकुर साहब। आप ही सोचिए ठाकुर साहब, अगर रानी बिटिया आपकी बेटी होती तो क्या आप जानबूझ के कुआं में धक्का मार देते? जी ठाकुर साहब, तुलसी ठीक कह रही है, कौन माँ बाप जानबूझ के अपने बच्चों को कुएं में धकेल देंगे, बताइए। अच्छा रानी सुनो, अब बहुत हो गई ड्रामेबाजी, हमें तुम्हारी अम्मा बाबूजी से बात करनी है अपनी शादी को लेकर। माँ बाबूजी के मन में ना लालच आ गया है, अब ना ही वो ये नाटक कभी खत्म होने देंगे और ना ही हमारी शादी करवाएंगे। ये रोका समझ के रख लेना, शादी के बाद और भी देंगे। और हाँ, आज के बाद से तुम लोगों को हम कोनो कमी नहीं होने देंगे। अरे भाई, हमारे समधी जो हुए अब आप। तो एक काम करें, भाग चलें। ठीक है, पर अभी नहीं, पूर्णमासी की रात। पूर्णमासी के दिन का मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने शादी का, ठीक समय पर हमरा बहू को लेकर जाएंगे हम। सदन, इनको घर तक छोड़ के आओ। जी ठाकुर साहब। माँ बाप हो या दुश्मन, कभी बुढ़ा कभी पागल, और वो ठाकुर हमें अपने बाप की जागीर समझता है क्या? अम्मा, हम नहीं करने वाले उस पागल से शादी, उस ठाकुर को जाके बोल देना, और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो हम बता दे रहे हैं। नागरानी नहीं बनेगी, अब तुमको क्या लगता है इस सब खेला हमको नहीं पता है? तुम पहले नाग नागिन का खेला शुरू की थी, अब तो पूरे गाँव में भी फैला दिया है, चढ़ावा भी आने लगा है। आपको पता था? हम तुम्हारी माँ है रानी, और एक तो बात कान खोल के सुन लो, इंसान को भगवान बनने में खाली दूठो चमत्कार लगता है, और वापस इंसान बनने में जान पर खतरा भी आ सकता है। और इस सब सच्चाई गांव वालों को पता लग गया ना, तो हम दोनों के जान पर खतरा है, और इस खतरा से हमको ठाकुर साहब ही बचा सकते हैं। इसलिए कह रहे रानी, तुम ठाकुर साहब के बेटा से ब्याह कर लो। अरे लेकिन हम कमल से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। कमल, वो जो पटना में क्लर्क की नौकरी करता है उससे ब्याह करेगी, और हम इसे ठकुराइन बनाना चाहते हैं। पागल से शादी करवा दी तो ये सब नांग नांग वाला खेला वो कमलवा से ब्याह करने के लिए था, और कमलवा तुम्हारा नाम देता। एक बात सुन लो रानी, ये प्यार व्यार ना 4 दिन का चांदनी है, काम आने वाला चीज पैसा है, ठाकुर साहब के पास भर भर के पैसा है, और ठाकुर साहब रोके के रकम में देखे ना कितना पैसा दिए। देखो रानी, ठाकुर साहब जितने बड़े आदमी हैं उतने चालाक भी हैं, उनको तुम्हारे नाग रानी के नाटक के बारे में सब पता है। देखो, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी ना तो ये बात वो पूरे गांव में फैला देंगे, और फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा, गांव वाले हमें धक्के मार के निकाल देंगे। लेकिन जरा सोचो, अगर हमने उनकी बात मान ली तो चाहे कुछ भी हो जाए वो सब संभाल लेंगे। नागरानी जी, आपका शादी का मुहूर्त हो चुका है,
तुम चलो, हम आते हैं। रानी बिटिया, आज तुमको पता है हम सबके लिए कितना अच्छा दिन है। ये देखो, ठाकुर साहब 50 एकड़ जमीन गिफ्ट में दिए हैं और इतना पैसा दिए हैं और कहे हैं कि ब्याह के बाद एकदम में माला माल कर देंगे। अरे जियो ठाकुर साहब। रानी बिटिया, तू तो सच में रानी बन गई रे मेरी बच्ची। बाबूजी, मेरी नागिन कितनी सुंदर है। आओ आओ आओ, यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो। नागिन अगर मेरी बीवी हुई तो मैं तुम्हारा पति नाग। मेरी शादी हो गई। मैं नाग, तुम मेरी नागिन, मैं ठाकुर, तुम मेरी ठाकुराइन। ये हम भी नाग बन गए। चलो चलो नाग नागिन खेलते। रानी कहाँ हो तुम? रानी, हमें अंधेरे से डर लगता। रानी, रानी कहाँ हो तुम? राजू आ जाएगी लाइट। रानी, हमें अंधेरे से डर लगता। रानी, 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 हमें अंधेरे से डर लगता। रानी, रानी, अंधेरे से डर लगता हमें। राजू अभी आ जाएगी लाइट। रानी, हमें अंधेरे से डर लगता। रानी, ए, 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 लाइट आ गई। ये क्या नया खेल? हम भी खेलेंगे नया खेल। राजू,
राजू राजू दादा देखो राजू बेटा को कहा हो राजू बेटा अरे मालिक इसको तो सांप ने डसाया 12:20 हो गए पूर्णमासी की रात लग गई लगता है नागरानी सच बोल रही थी नाग देवता आएंगे उसको ले जाएंगे और हमारे राजू बेटा को गलती हमने की तो सजा आपको दे रही सदन वो रानी को कोई काला नाग लेके नहीं गया वो खुद नागिन बनकर यहां आई थी और हमारे बिटवा को ये सब लोग मिले हुए हैं कौन मिला हुआ ठाकुर साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा लड़की कहाँ है कहाँ है लड़की एक काम करो घर की तलाशी लो काहे आग में बुला हो रहे हैं चुप रहिए आप बीच में मत बोलिए देखिए साहब इंस्पेक्टर साहब देखिए हमने कहा था ना वो लड़की हमारे घर से गहने लेकर भागी है और कोई था क्या घर में नहीं साहब आप दोनों की बेटी कहाँ है अभी वो वापस नहीं आई है घर पे अरे ठाकुर साहब ये तो रकम आपने रोके में दी थी ना वाह ठाकुर साहब वाह अपने ही समधी पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं आप ये कहाँ का न्याय है ठाकुर साहब और हमारे राजू को मारना कहाँ का न्याय था तुम लोगों और तुम्हारी बेटी की वजह से ना हमारा राजू गलती हमसे हुई है ठाकुर साहब हमें रानी की नौटंकी में उसका साथ नहीं देना था और हमें मालूम नहीं था ठाकुर साहब कि हमारी बेटी आपके बेटा राजू और अपने पति को हमने रानी को शादी के लिए मजबूर नहीं किया होता तो आपका बेटा भी जिंदा होता ये सब आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था ना अब सारा नाटक खत्म और जेल यात्रा शुरू ले चलो इन दोनों को थाने पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें अब जब तक ये मामला सलटता नहीं ना तब तक शांति से बैठे रहो समझी अरे ये चेहरा काहे ढक रखा है आप तो बहुत सुंदर हैं। नाम क्या है आपका जोरू है हमारी जरा तमीज से जोरू तो ये राजू ठाकुर की है क्यों मैडम नाग कन्या रानी जी राजू ठाकुर का मर्डर करके यहाँ आराम से चाय पी रही हो नहीं नहीं हमने नहीं मारा है नाग देव ने डसा है उसे हमने मना किया था ठाकुर को कि हमसे शादी मत करवाओ अपने बेटे की लेकिन उसने हमारी बात सुनी ही नहीं बहुत हो गया तेरा नाग नागिन का खेल बताओ काहे मारा राजू को कैसे मारा वरना हम तुम्हें बताएंगे कैसे मारते हैं हाँ मार लो तुम भी अच्छा होता
अगर हमारे माँ बाप हमें पैदा होते ही मार देते। बदनसीब बदनसीब सुन सुन के हम थक गए थे। पहले उस बुड्ढे के साथ हमारी शादी करवाना चाहते थे क्योंकि उनके पास दहेज के पैसे नहीं थे। वो शादी तुड़वाने के लिए हमने ये नाग नागिन का खेल रचा। पैसे भी आने लगे मगर हमसे ये नाटक नहीं हो रहा था। हम कमल से शादी करना चाहते थे, हम खुश रहना चाहते थे, आम जिंदगी जीना चाहते थे। लेकिन फिर हमारा कमाया हुआ पैसा देना हमारे माँ बाप को कम लगने लगा, तो लालच में आके उन्होंने ठाकुर के बेटे के साथ हमारी शादी करवा दी। हम भागना चाहते थे लेकिन हमें पता था कि ठाकुर हमें ढूंढ निकालेगा, इसलिए हमने उसके बेटे को मार डाला ताकि उसको लगे कि हमारा ये नाग नागिन का खेल सच्चा है। क्या करते हम थक गए थे, हमसे नहीं हो रहा था। राजू के कत्ल और लोगों को बरगलाने के जुर्म में रानी जेल की सजा काट रही है। रानी के माँ बाप भी धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल में हैं। अच्छे और बुरे के बीच बहुत कम फासला होता है, जैसे कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में। हमारे देश में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। हमारा समाज अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। इसी कारण रानी ने पूरे गांव को बेवकूफ बना लिया था, और वो भी इतनी आसानी से। पर इसमें गलती ज्यादा किसकी है, रानी की जिसने लोगों की कमजोरी का फायदा उठाया, या फिर उन लोगों की जिन्होंने अपनी श्रद्धा को ही अपनी कमजोरी बना दिया। सोचिए, समझिए और सवाल कीजिए। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास का सिर्फ एक ही तोड़ है, और वो है ज्ञान। ज्ञान ही वो रास्ता है जो हमें अंधविश्वास से सच्चाई की ओर लेकर जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं प्रगति मेहरा आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, सिर्फ क्राइम अलर्ट पर।